एल डिस्कस एन पी एस एच कन्सेप्ट इन टू वीडियोज ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट बिहाइंड एन पी एस एच एंड हाउ टू कैल्कुलेट एन पी एस एच अवेलेबल इन द सेकेंड पार्ट विल डिस्कस मेजरली अबाउट एन पी एस एच रिक्वायर्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक कॉस अगर हम एन पी एस एच डिस्कस कर रहे हैं तो उसके पीछे दो बेसिक कंसेप्ट है वो हमें जानना जरूरी है कंसेप्ट वन वेपर प्रेशर बॉयलिंग पॉइंट डायाग्राम और दूसरा कंसेप्ट है बर्नोलिज प्रिंसिपल एंड जिसकी वजह से हमें एन पी एस एस डिफाइन करना पड़ रहा है सो दैट इज द मेजर फिनोमिना इज कॉल्ड कैविटेशन लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट थ्रू दिस डायग्राम जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ऑन द वर्टिकल एक्सिस इट इज वेपर प्रेशर एंड ऑन द एक्स एक्सिस इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट

अप टू दिस पॉइंट अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट कह पे आ जाएगा तो ये उसका बॉइलिंग पॉइंट है और ये पॉइंट के बाद उसका फेस चेंज होगा बट वी हैव अनदर ऑप्शन एज वेल दैट ऑन द सेम पॉइंट पॉइंट ए अगर मैं उसका प्रेशर रिड्यूस कर रहा हूँ एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर सो आप देख सकते हो कि एट सर्टन प्रेशर वो बॉइलिंग पॉइंट कहू पे टच करेगा जो उसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा बट एट द लोअर प्रेशर सो द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन इज दैट Either we may increase the temperature at constant pressure or we may reduce the pressure at constant temperature. Now, second concept is Bernoulli's principle. As per the principle, we know that the summation of mechanical energy is constant at any point of the pipe. Now, let's consider that. फ्लूइड इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर क्रॉस सेक्शन एरिया टू द लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया तो जैसे ही पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा तो वो केस में वेलोसिटी बढ़, so, बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो बर्नोले प्रिंसिपल में काइनेटिक एनर्जी टर्म भी बढ़ जाएगा बट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन सो उसके हिसाब से प्रेशर वाला टर्म कम हो जाएगा तो कंक्लूजन इज दैट एज आई एम इंक्रीजिंग द एरिया प्रेशर विल इंक्रीज वेलोसिटी विल रिड्यूस एंड एज आई एम रिड्यूसिंग द एरिया प्रेशर विल डिक्रीज एंड वेलोसिटी विल इंक्रीज सो दिस बोथ द बोहोत विल बी हेल्पफुल टू डिस्कस अबाउट एनपीएस अवेलेबल एंड कैविटेशन नाउ लेट्स डिस्कस सेंट्रिफ पंप कंस्ट्रक्शन सो एज यू मे सी इन द इमेज कि एक केजिंग रहता है केजिंग के अंदर इम्पेलर वेन्स रहता है इम्पेलर वेन्स जो रोटेट होते हैं इन मिडल वी हैव इम्पेलर आई आउटलेट में एक वॉल्यूम चैम्बर रहता है जिससे फ्लूइड आउटलेट में चला जाता है सो ना वॉट इज हैपनिंग दैट फ्लूड इज कमिंग थ्रू सक्शन पाइप एंड इट इज एंटरिंग इन टू द इम्पेलर आई इम्पेलर आई से रोटेट होते हुए वॉल्यूड चैम्बर के थ्रू आउटलेट में जाता है ना द थिंग दैट वी हैव टू ऑब्जर्व कि यहाँ पे जो सक्शन पाइप रहता है उसका डायामीटर ज्यादा रहता है इम्पेलर आई का डायामीटर सक्शन पाइप के डायामीटर से कम रहता है तो अभी जैसे हमने बर्नोली प्रिंसिपल डिस्कस किया कि जैसे ही एरिया कम हो जाएगा वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर इतना ही कम हो जाएगा और जैसे ही इम्पेलर आई के थ्रू आउटलेट में जाता है तो पाइप का डायमीटर बढ़ जाता है एरिया बढ़ जाता है वेलोसिटी कम हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है तो जब भी ये फ्लूड इम्पेलर में जाता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है सो इट मे पॉसिबल फॉर सर्टन केसेस कि जो कम प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर जितना हो जाता है या तो उससे भी कम हो जाता है सो ऑनली वन पॉसिबिलिटी इज दैट जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया कि फेस चेंज हो जाएगा जो भी फ्लूड है दैट विल कन्वर्टेड इन टू द वेपर फेस सो नाउ बिकॉज ऑफ दैट बबल्स विल बी क्रिएटेड तो ये जो बबल रहते हैं अब दूसरी साइड पर उसका एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा तो बबल्स विल बी स्टिक टू द सर्फेस और जैसे ही लिक्विड का प्रेशर बबल पे आता है तो इट विल कोलाइड विद द सर्फेस विद नॉइज नॉइज और वो noise से कोलाइड करेगे तो सर्फेस को डैमेज करेगे कैविटेट करेगे तो ये जो पूरा फिनोमिना है उसे बोला जाता है कैविटेशन सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट थ्रू द फिगर दिस इज द सक्शन प्रेशर और जैसे ही सक्शन पाइप में से इम्पेलर में जाता है तो आप यहां पे देख सकते हो कि प्रेशर रिड्यूज होता है प्रेशर रिड्यूस होता है उसके बाद आउटलेट में जाता है तो फिर से प्रेशर बढ़ जाता है तो नाउ लेट्स कंसीडर वन रेफरेंस लाइन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट फ्लूड अगर सक्शन प्रेशर पीएस कम होता हुआ इंपेलर आई में आता है और उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से भी नीचे चले जाता है या तो वेपर प्रेशर जितना हो जाता है तो वो केस में फेस चेंज होना चालू हो जाएगा और वो केस में कैविटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा सो द कंक्लूजन इज दैट कि इवन दो हमारा जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आता है तो भी ऐसा नहीं बोल सकते कि कैविटेशन नहीं होगा नाउ लेट्स कंसिडर दिस प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हेड सो सीधा फॉर्मूला हाइड्रोस्टेटिक इक्विलिब्रियम का हमें पता है पी इक्वल टू रो जी एच तो अगर प्रेशर को हेड में कन्वर्ट करना है सो वी जस्ट नीड टू डिवाइड विथ रो इन टू जी सो दिस पी एस माइनस पी वी डिवाइडेड बाई रो जी दैट इज कॉल्ड दर ये हेड हमारा पॉजिटिव आता है दैट मीन्स कैविटेशन की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है सो so ये टर्म को बोला जाता है एन पी एस एच वॉट दैट मीन्स नेट पॉजिटिव सक्शन हेड सो आप जैसे ये फिगर में देख सकते हैं सक्शन प्रेशर फ्रॉम द रिजर्वर टू द प्रेशर एट द इम्पेलर हमें प्रेशर मेजर करना पड़ेगा जैसे ही फ्लूड पंप में एंटर हो रहा है उसके पहले तो वो सक्शन प्रेशर रहता है और फ्लूइड के अंदर जाता है वो इम्पेलर का प्रेशर रहता है तो ये जो डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो विच इज कॉल्ड एन पी एस एच अवेलेबल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट ये जो कैल्कुलेशन हम कर रहे हैं दैट इज़ एट फिक्स्ड आर पी एम एंड फिक्सड फ्लोरेट हमारा नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल जो हमने अभी कैलकुलेट किया पी एस माइनस पी वी डिवाइडेड बाई रोजी तो वो इनफ है कि नहीं है उसके लिए हमें कोई रेफरेंस वैल्यू चाहिए तो वो रेफरेंस वैल्यू को बोला जाता है एनपीएसएच रिक्वायर्ड विच इज गिवन बाई दंप मैन्यूफेक्चर नाउ वी हैव टू एनपीएसएच वैल्यू फर्स्ट एनपीएसएच अवेलेबल दैट वी कैलकुलेटेड एट गिवन कंडीशन एंड सेकेंड एन पी एस एज रिक्वायर्ड विच वॉज प्रोवाइडेड बाई द पम्प मैन्युफैक्चर क्वेश्चन निकल के आता है कि पम्प मैन्युफैक्चरर क्यों हेड के टर्म में हमें एन पी एस एच देता है वाई नॉट इन प्रेशर टर्म एंड सेकेंड क्वेश्चन एन पी एस एज रिक्वायर्ड पम्प मैन्युफैक्चरर कैसे डिसाइड करते हैं विच प्रोसीजर दैट दे आर फॉलोइंग सो वाई दे आर गिविंग हेड नॉट प्रेशर पम्प मैन्युफैक्चरर वाटर को रेफरेंस फ्लूड लेके एन पी एस एच आर टेस्ट करते हैं उसके लिमिट डिसाइड करते हैं लेट से फॉर द सर्टेन फ्लो रेट एंड आर पी एम एन पी एस एज रिक्वायर्ड की वैल्यू जो है वो थ्री मीटर है इसका मीनिंग ये है कि वो पंप के लिए तीन मीटर का हेड विच इज द लिमिट इफ वी आर चेंजिंग द फ्लूड तो हमें हाइड्रोस्टेटिक इक्वेशन से पता है पी इक्वल टू रोजियज तो वो फ्लूड के लिए हमें प्रेशर अलग रखना पड़ेगा जैसे कि हेड तीन मीटर है सो दैट इज़ रो जी एच उसके हिसाब से डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए वो फ्लूड के लिए डिफरेंट प्रेशर आएगा फॉर द सेम पंप हमारे हेड की वैल्यू सेम रहने वाली है बट जैसे ही हम फ्लूड चेंज करते हैं सो बाई मल्टीप्लाइंग विद दिस हेड विद द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूड वी मे गेट द डिफरेंट प्रेशर तो जैसे ही फ्लूड चेंज किया तो लिमिटिंग प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आएगी फॉर डिफरेंट फ्लूइड उ दे आर कैल्युलेटिंग एनपीएसएस एनपीएसएस वैल्यू ऑफ हेड कि वो वैल्यू या तो उसके नीचे कैविटेशन इज धैर इन पंप. एज पर दिस ग्राफ. दिस इज सक्शन प्रेशर दिस इज इंपेलर प्रेशर एंड दिस इज डिस्चार्ज प्रेशर सो एज पर अवर अंडरस्टैंडिंग टोटल हेड विच इज दशन ऑफ डिस्चार्ज हेड माइनस सक्शन हेड सो पंप मैन्युफैक्चर दो इक्वेशन को कंसिडर करते हैं एक टोटल हेड का इक्वेशन और दूसरा एनपीएसएच का इक्वेशन नाउ वॉट दे आर एक्सपेरिमेंटिंग वो लोग कंटिन्यूअसली जो सक्शन होता है उसका प्रेशर कम करते हैं सक्शन प्रेशर जैसे ही कम होगा वैसे ही डिस्चार्ज प्रेशर में फर्क आएगा और सक्शन प्रेशर कम करते जाएंगे तो एन पी एस एच के वैल्यू में भी डिफरेंस आएगा सो बाय कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंटिंग बाय रिड्यूसिंग द सक्शन प्रेशर दे आर मेजरिंग एनपीएसएच वैल्यू एंड टोटल हेड वैल्यू और जो प्रेशर के वैल्यू पे टोटल डायनेमिक हेड की वैल्यू में तीन परसेंटेज का ड्रॉप होता है वो थ्री परसेंट हेड पे जो भी एनपीएसएच कैलकुलेटिंग की वैल्यू 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 आती है इज इज कॉल्ड एनपीएसएच रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड दैट लिमिटिंग कि उसके ऊपर ही हमें प्रेशर रखना होगा तब जाके हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि एनपीएसएच अवेलेबल मस्ट बी ग्रेटर देन एनपीएसएस रिक्वायर्ड नाउ द इम्पोर्टेंट पॉइंट हाउ टू कैलकुलेट एनपीएसएच अवेलेबल तो एज पर दिस इक्वेशन ये जो पी एस की वैल्यू रहती है वो सक्शन प्रेशर है जब फ्लूड पंप में एंटर कर रहा होता है वो लोकेशन की सो दैट प्रेशर और उसको वेपर प्रेशर से सबस्ट्रेक करते हुए जो भी हमें हेड मिलता है उसे बोला जाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्वेश्चन इज दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस पी एस वैल्यू देर आर टू सिचुएशन दैट वी हैव टू कंसिडर एक सिचुएशन में पंप टैंक के लिक्विड सरफेस के ऊपर है और दूसरे सिचुएशन में पंप टैंक के लिक्विड सरफेस से नीचे है सो कंडीशन नंबर वन जब भी पंप लिक्विड सरफेस के ऊपर है सो एज पर दिस इमेज यू मे सी दैट जो भी डिफरेंस रहता है इन द हाइट विच इज कॉल्ड द सक्शन लिफ्ट क्योंकि यहां पे हम फ्लुड को लिफ्ट करते हैं एज वी आर टॉकिंग अबाउट एनपीएसएच नेट पॉजिटिव सक्शन हेड सो यहाँ पे हमें सिर्फ सक्शन सेक्शन का इंपॉर्टेंस है जैसे कि एज पर दिस फिगर यू मे सी दैट दिस इज लिक्विड tank this is liquid surface or here let's consider this is the pump and this is the center line so this distance as we just discussed it is called suction lift let's consider over here pressure is p dash and at this point pressure is let's say pa let's consider this is the height za वी हैव टू डू प्रेशर बैलेंसिंग सो यहां पर अगर मैं प्रेशर बैलेंस करूंगा सो वी मे सी दैट दिस पी डैश दैट इज प्रेशर एग्जर्टेड बाय द लिक्विड विच इज इक्वल टू दिसनल प्रेशर विच इज पी ए विच इज एडेड बाई द हाइट ओके दैट इज लेट्स ए रो जी एच प्लस थ्रू आउट दिस सक्शन थ्रू आउट दिस पाइप जो भी उसमें फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज फ्रिक्शनल लॉस सो लेट्स कंसिडर दैट फ्रिक्शनल लॉस प्रेशर

नाउ लेट्स कंसिडर अनदर सिचुएशन वो केस में पंप लिक्विड लेवल लिक्विड टैंक से नीचे है एज पर दिस फिगर यू मे सी दैट और जो बीच का लेवल और जो हाइट कंसिडरेशन होता है उसे बोलते हैं सक्शन हेड सो लेट्स कंसिडर दिस सिचुएशन इन विच दिस इज ओवर हेड टैंक एंड दिस इज द लिक्विड सरफेस एंड पंप एट द बॉटम एंड दिस इज देंटर लाइन ऑफ द पंप सो ये जो डिस्टेंस रहता है उसे बोला जाता है सक्शन हेड

That we have to consider for the NPSH calculation that that head equal to the pressure exerted by liquid surface plus H minus frictional loss. Now let's put down this value over here. So NPSH available which is equal to P dash plus or minus Z minus H F minus P V.

In the next video we'll discuss about all the terms which are involved in the pump performance curve or characteristic curve and we'll also discuss about the affinity law and overall pump performance. See you in the next video.